नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल पुट्टी और पेंटिंग के कॉस्ट के बारे में। हम इसमें पुट्टी और पेंट का डिटेल कॉस्टिंग देखेंगे यहाँ पर, और अगर आप नॉन टेक्निकल भी है या टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है तो यहाँ पर ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल साधारण भाषा में हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि हर कोई जनरल से जनरल पब्लिक भी ये वीडियो को समझ सके। क्योंकि आज के समय में हर कोई पुट्टी और पेंटिंग की कॉस्ट करना चाहता है। जिसका मकान बन गया है वो भी पुट्टी और पेंटिंग डबल करना चाहता है, और जिसका नहीं बना है जो अभी बना रहे उनके लिए भी ये वीडियो काम में आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पुट्टी की पुट्टी को कॉस्टिंग कितना आता है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक 10 बाय 10 का रूम ले लेंगे। जैसे 10 बाय 10 का अगर हम रूम लेते हैं तो 10 बाय 10 के रूम को पुट्टी करने में कितना कॉस्टिंग आएगा वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले पुट्टी का कॉस्टिंग देखेंगे, उसके बाद पेंटिंग का कॉस्टिंग हम देखेंगे। देखिए, मैं अगर 10 बाय 10 फीट के रूम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम टोटल वॉल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे नीचे में जो टाइल्स वाला एरिया है वो तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन आपका जैसे सीलिंग हो जाता है आपके लेफ्ट साइड की वॉल, राइट साइड की वॉल, बैक साइड की वॉल, फ्रंट साइड की वॉल, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट जो है रूम की हाइट 10 फीट की मेजर करता हूँ, जनरली 10 फीट की ही लेते हैं हम यहाँ पे हाइट। तो यहाँ पे जैसे 10 बाय 10 की एक वॉल हो गई, 10 बाय 10 की दूसरी वॉल हो गई, उसके बाद तीसरी वॉल 10 बाय 10 की, चौथी वॉल 10 बाय 10 की, तो टोटल एरिया इसका 400 स्क्वायर फीट आ जाता है। वही अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो 10 बाय 10 का एरिया सीलिंग का आ जाता है। तो 500 स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पे टोटल एक सिंगल रूम का कैलकुलेट होता है। तो 500 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से अब पुट्टी का कॉस्टिंग कितना आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट थंब रूल के बेसिस पे बता रहा हूँ, और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने एज पर साइट वर्क किया है, इतने सारे साइट हमने कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं टेक्निकल वे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल वे और प्रैक्टिकल वे में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल वे की बात करूंगा कि प्रैक्टिकली हमारे को कॉस्टिंग कितना आता है। तो देखिए, जब भी हम पुट्टी करते हैं तो आप डबल कोट का पुट्टी करते हैं अपने रूम में, तो डबल कोट का पुट्टी का जो कॉस्टिंग आता है, जैसे 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया 1 kg पुट्टी कवर करती है। मतलब 1 kg में आप 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकते हैं। आप 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया बताने का रीजन ये है कि हो सकता है किसी किसी जो वॉल है, किसी की वॉल है, वहाँ के वॉल प्लेन नहीं है, प्रॉपर लेवल में नहीं है, वहाँ पे प्लास्टर ढंग से नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आपको पुट्टी ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको लेयर ज़्यादा देना पड़ेगा, थिकनेस ज़्यादा आएंगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको पुट्टी ज़्यादा लग सकती है। यानी अगर आपका प्लेन वॉल है तो आपका 1 kg में 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो सकता है। वही अगर आपका रफ है या इन लेवल में प्रॉपर नहीं है तो आपका 10 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम्ड होगा। तो हम एक एवरेज ले रहे हैं, तो 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया आपका 1 kg में कवर हो जाता है। तो वही अगर मैं 500 स्क्वायर फीट एरिया की बात करूँ तो आपको 500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करने में 35 से 40 kg की पुट्टी लगती है। अब आपको एक बैग पुट्टी की कॉस्टिंग जो पड़ती है मार्केट में वो 550 से 600 रुपये के बीच में पड़ती है। यानी 20 kg की आपको एक बैग आपको पड़ जाती है 600 रुपये में। वही अगर मैं दो बैग की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे हमें फॉर एग्जांपल एक एक रूम के लिए अभी हमारे को 500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो रहा है, उसके लिए हमें दो बैग की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारे को जो पुट्टी का जो कॉस्टिंग रहेगा वो 1200 रुपये आ जाएगा। 600 रुपये पर बैग के हिसाब से दो बैग का हमारे को कॉस्टिंग 1200 रुपये आ जाएगा। यानी आपको 10 बाय 10 का सिंगल रूम करने में 1200 रुपये का पुट्टी लगेगा, यानी दो बैग आपको पुट्टी की लगेंगे। इसके हिसाब से आप अपने मकान का एरिया कैलकुलेट करके वहाँ पे आप पुट्टी का कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। अब इसमें मैंने वेस्टेज इंक्लूड नहीं किया, वेस्टेज भी इंक्लूड होता है, तो वेस्टेज इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमारा डोर का एरिया हमारा माइनस हो जाता है, विंडो का एरिया माइनस हो जाता है, तो उसमें हमारा वो भी आपका वेस्टेज कवर हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर वेस्टेज इंक्लूड नहीं किया। तो आपको एक सिंगल रूम का 500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करने के लिए दो बैग पुट्टी लगती है। अब हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट के बारे में। तो अब लेबर कॉस्ट देखिए, लेबर कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है सिटी टू सिटी। अगर आप अभी कोई टियर 1 टियर 2 सिटी से है तो वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा। अगर आप गाँव से है, छोटे शहर से है जहाँ की जनसंख्या कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लेबर कॉस्ट वहाँ पे कम आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे गाँव की बात करूँ तो देखिए, गाँव में आपको 1500 रुपये लेबर कॉस्ट पड़ सकता है यहाँ पे पुट्टी का। वही अगर मैं सिटी की बात करूँ तो 2500 से 3000 रुपये आपको सिटी में लेबर कॉस्ट पड़ता है एक एक रूम का पुट्टी करने का। इस तरह से मैं अगर टोटल खर्चा देखूँ तो एक रूम की पुट्टी का आपको जो कॉस्टिंग जाता है 4 से 5 हज़ार रुपये जाता है। तो अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पे आपका 3500 तक भी हो जाता है, और अगर आप शहर से हैं तो आपका 5000 का बजट होना चाहिए, यानी 4 से 5 हज़ार का बजट होना चाहिए। इन एन एवरेज बात करूँ मैं तो एक रूम की पुट्टी को खर्च 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता है। अब इसके हिसाब से आपको जितने रूम का एरिया कवर करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एरिया कंज्यूम कर ले।
तो ये हो गया पुट्टी का लेबर कॉस्ट। अभी मैं अगर इसके बाद पेंटिंग की बात करूँ, तो मैं यही पेंटिंग का मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तो पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, बाहर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी आ जाती है, कौन से टाइप का पेंट यूज़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप डिस्टेंबर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉस्टिंग कम आ जाएंगी, आप अपेक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाएंगी, इमल्शन कर रहे हैं यूज़ तो वहाँ पे और ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएंगी। तो मैं एक जनरल पब्लिक के हिसाब से, एक इन एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से, यहाँ पे पेंटिंग का कॉस्टिंग डिफाइन करूंगा आपको, कि एक सिंगल रूम का पेंटिंग का कॉस्टिंग कितना आएगा, बड़े बेसिक तरीके से बताऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगल रूम हम 10 बाय 10 की रूम यहाँ पे मेजर करेंगे, तो 10 बाय 10 की रूम का जो एरिया आ जाता है टोटल, चारों साइड की वॉल प्लस सीलिंग का एरिया आ जाता है 500 स्क्वायर फीट का। अब यहाँ पे हम पहले लेबर कॉस्ट की बात कर ले, तो लेबर कॉस्ट देखिए, वो जो हम वॉल पेंट करते हैं उसका लेबर कॉस्टिंग 3 से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में पड़ता है। अगर आप गाँव से है तो उसका 3 रुपये स्क्वायर फीट का एरिया पड़ता है, मतलब आपका 500 स्क्वायर फीट का एरिया का 1500 रुपये कॉस्टिंग आ जाता है। वही अगर आप बड़े शहर से है तो आपको वहाँ पे 2500 से 3000 रुपये कॉस्टिंग आ जाता है, मतलब 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो आपको सिंगल रूम का जो लेबर कॉस्ट पड़ेगा 500 स्क्वायर फीट एरिया का, वो गांव के हिसाब से आपको 1500 रुपये पड़ेगा, शहर के हिसाब से आपको 3000 रुपये पड़ेगा। ये होगा इसका लेबर कॉस्ट। पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग यहाँ पे जनरल जो हम लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको, कि हम यहाँ पे पेंटिंग जो कैलकुलेट करेंगे वो 300 रुपये पर लीटर वाला पेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, आपको जो भी सूटेबल लगे, टॉप 5 ब्रांड में से आप कोई भी ले सकते हैं। लोकल ब्रांड मत लीजिए, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपका लेबर कॉस्ट वेस्टेज चला जाता है अगर आपका कलर चला जाए तो। तो इसीलिए हमेशा पेंटिंग का जो ब्रांड है वो सोच समझ कर चूज कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके पेंट की, तो देखिए आपको अगर आप सिंगल रूम का पेंटिंग कर रहे हैं तो आपको डबल कोट पेंटिंग करने में 5 लीटर पेंट लग जाता है दोस्तों। 5 लीटर पेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये तक इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। तो अगर मैं इसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड करूँ, तो अगर मैं गाँव की बात करूँ तो 3000 रुपये तक आपको एक सिंगल रूम की पेंटिंग का कॉस्टिंग आ सकता है। वही अगर मैं शहर की बात करूँ, सिटीज की बात करूँ, तो एक रूम का पेंटिंग का कॉस्ट आपको 5000 रुपये तक आ सकता है। तो ये लेबर कॉस्ट पे डिपेंड होता है जनरली इसका। तो आप गांव से तो 3000 रुपये तक अपना बजट रखिए, आप बड़े शहर से तो आप 5000 तक अपना बजट रखिए। और अगर आप मीडियम, मतलब ना बड़े शहर से है ना छोटे शहर से है, तो आप टियर 2 सिटी से है, तो वहाँ पे 4000 तक का आप बजट रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेंटिंग का बेसिक वीडियो। इसके बाद में अगर बोलते हैं तो मैं एडवांस वीडियो लेके आऊंगा पेंटिंग का, क्योंकि पेंटिंग में काफ़ी सारी वेरायटी आ जाती है। अभी वॉलपेपर वगैरह भी आ रहे हैं, इमल्शन पेंट आ जाता है, अपेक्स आ जाता है, डिस्टेम्बर आ जाता है। अब कुछ लोग, गांव के लोग डिस्टेम्बर ही यूज़ करते, तो ऐसी कंडीशन में उनको 500 600 रुपये में भी उनका एक रूम का कॉस्टिंग आ जाता है। तो उसमें आपका कॉस्टिंग सेव हो सकता है, लेकिन ये अभी आज के समय में जो एक एवरेज कॉस्टिंग है, तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से, जिनका बजट रहता है 20 25 लाख रुपए का, जो मकान बनाते हैं उनके हिसाब से ये पेंटिंग का कॉस्टिंग और वॉल पुट्टी का कॉस्टिंग था। तो वॉल पुट्टी तो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आपका वही फिक्स कॉस्ट है। हो सकता है लेबर कॉस्ट में प्लस माइनस हो आपके सिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिंगल रूम का अगर आप वॉल पुट्टी कर रहे हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये का आपका कॉस्टिंग रहेगा। और अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी का पेंट कर रहे हैं, तो आपको 3 से 5 हज़ार रुपये पेंटिंग का कॉस्टिंग आ जाता है। तो ये था आज का हमारा वॉल पुट्टी प्लस पेंट का वीडियो। आप पेंटिंग का वीडियो डिटेल में और भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर एडवांस लेवल की वीडियो लाऊंगा। साथ ही साथ इंटीरियर के एस्टिमेट की भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन बटन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।